रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों, फिर भी दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो। दी मैं कुछ हेल्प करूं? दी आपने मेरा ब्लेम आपके सर क्यों ले लिया? दी गलती तो मेरी थी। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी पापा मुझे ना समझ और गैर जिम्मेदार समझते हैं, पर उन्हें तुझसे उम्मीद है। अगर तूने भी उन्हें निराश कर दिया तो उनके पास कोई आस ही नहीं बचेगी, और मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। दी हमने कपिल भैया का बर्थडे खराब कर दिया ना? खराब नहीं किया, बस सबका मूड खराब हो गया। कपिल भाई का बर्थडे भी बाकी है। जंग के दौरान खुशी के मौके पे दुश्मन भी सीज फायर कर देता है, तो हम तो फैमिली हैं। हाँ, सब फैमिली फैमिली खेलो और बस मुझे बाहर कर दो। भाभी आपको पता है ना, माँ एक मिनट नहीं लगाएगी आपको मेरे से ऊपर चुनने में। हाँ जानती हूँ, क्योंकि मेरा एक नहीं दो रिश्ते हैं उनके साथ, एक बहू का और एक बेटी का। अगर वो ऑक्सीजन पे जिंदा, उसे ऑक्सीजन देते रहो, बस बेहोश नहीं होने देना है। मैं 10 मिनट पहुंच रहा हूँ। अच्छा हुआ हमने ऋषभ को पहले ही वहां भेज दिया। अब चलोगे या मुहूर्त देखोगे? नहीं सर, वो तो मैंने देख लिया, अभिजीत मुहूर्त चल रहा है। शिकार करते करते ना मुझे बुखार ही आ जाना है। कितनी मेहनत कराता है फिर भी हाथ नहीं आता। इस बार तो मम्मी ने सच में चपेड़ मार देनी है मेरे। नहीं 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 नहीं। ज़्यादा दीवान मत चलाओ, पहले ही कम है। ये पूछना सीधे सीधे पूछ लो। सर वो उस डॉक्टर ज्योति के पापा ने आपको बेवजह इतना कुछ सुना दिया? हमें बोले तो चलते, लेकिन आपको कहे तो सर दुख होता। सर यहाँ सीधा दिल पे सामने देख, आप पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते हैं ये सब। सर आप वाराघाट के जिस भी घर पे खटखट आएंगे ना, लोग आरती का थाल लेकर आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आप पता नहीं क्यों ऐसे कैसे, मुझे पता आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते पर। राइट, और आज भी नहीं दूंगा और ना ही अपनी बात दोहराऊंगा, इसलिए कान खोल के सुन लो। कश्यप के घर में रहना मेरी मिशन की डिमांड है, और जिसलिए मुझे जो करना चाहे वो मैं करूंगा, पर उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। ये आएगी सर, ये लड़की बाज नहीं आएगी। मेजर आर्यन, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और खाली पेट दवाई नहीं ले सकते। मुझे लगा था ये डॉक्टर पेशेंट का खेल खत्म हो चुका है। मेजर, आपके लिए खेल होगा, मेरे लिए मेरी ड्यूटी है। और यहाँ इतना बवाल करने के बाद आप मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं? उसके लिए मैं सर को ऑलरेडी सॉरी बोल चुका। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप अच्छे पेशेंट की तरह अपने रूम में रहते। मगर नहीं, आप तो अड़ियल हैं, ना पहले मेरी बात सुनी ना अब सुन रहे। जब आपको खुद ही ठीक नहीं होना तो मैं क्या कर सकती हूँ? वही समझा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकती, और वैसे भी जो मैं करता हूँ उसकी वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझता। अड़ियल ड्रैकुला, समझता क्या है अपने आपको? मैं किसी को अपने एक्शंस के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देता, मैं बड़ा मरी जा रही हूँ सुनने के लिए। हाँ,
ज्योति 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 बेटा। जी तिवारी अंकल, क्या हुआ? अरे वो गरिमा, मेरी बहू सीढ़ियों से गिर गई है। क्या? हाँ। सर होश में तो आ गया है, लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है। मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन से मतलब है। उसकी हालत जैसे भी हो, आई डोंट केयर। सर केयर तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर शंकर ने क्लियरली बोला है उसकी हालत बहुत नाजुक है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है, इसीलिए उससे दूरी बनाकर। सर कोड नेम बारूद, मेजर आर्यन, तुम्हारा असली नाम क्या है? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? पोस्ट ऑफिस के बाहर किसने गोली चलाई थी तुम पे? तुम यहां अकेले आए हो, तुम्हारे और भी कोई साथी है? कोड नेम बारूद, आंसर मी, डैम इट। सर उन सवालों के जवाब तो मैं तुमसे उकलवा के रहूंगा, उससे पहले मरने भी नहीं दूंगा तुम्हें। इसकी कोमा से बाहर आने की खबर इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, और जल्द से किसी सिक्योर फैसिलिटी में ट्रांसफर करवा दो। सर उसमें टाइम लगेगा सर, परमिशन है। आई नो दैट, दैट्स व्हाई स्पीड अप द प्रोसेस, डैम इट, स्पीड अप। हॉस्पिटल के चारों तरफ पहरा बढ़ा दो, डबल द सिक्योरिटी, क्योंकि दुश्मन इसे मारने कभी भी आ सकता है। हेलो, क्या लैंडस्लाइड? कहाँ? ओके ओके ओके। अरे माँ लाइए ना, मैं कर देती हूँ। माँ, माँ मैंने मानसी को म्यूजिक सिखाने से मना कर दिया है। माँ मैं जानती हूँ, मानसी को म्यूजिक सिखाने के चक्कर में मैं इस घर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। इवेंट में बस 2 दिन बाकी, और उसके बाद मैं घर से भी नहीं निकलूंगी। लेकिन माँ आज रिहर्सल थी, तो मैं सोच रही थी अगर आज आप मेरे साथ आती तो अच्छा होता। हाँ माँ। माँ बस थोड़े टाइम के लिए ही सही, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना माँ। डॉक्टर ज्योति, मुझे लगता है कि मैनी और चिट्टू को संभालना मुश्किल है, मगर ये तो उनसे बड़ी बच्ची है। 9वां महीना चल रहा है और सोले की बसंती की तरह उछल कूद कर रही है। बताओ, बच्ची बन गई एकदम से, कोई ऐसा करता है क्या? ये आपका होने वाला बच्चा सब इसी की गलती है, मुझे मत डांटो। यस मेजर आर्यन। ओके मेजर आर्यन। क्या हुआ? ड्यूटी पर रिपोर्ट करनी है, मेजर आर्यन का कॉल था। डॉक्टर ज्योति, जल्दी आने के लिए थैंक्स, और अभी मुझे हेडक्वार्टर्स के लिए निकलना होगा। और तुम अपना ध्यान रखना, बेड से कहीं उतरना मत, ठीक है? मैं जल्दी वापस आऊंगा। आदु गरिमा, तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ जानती हूँ, लेकिन मेजर आर्यन के मिशंस हमेशा रिस्की रहते हैं, और उन्होंने अर्जेंटली कॉल किया, मतलब जरूर कोई बात होगी। I'm sure मेजर आर्यन को तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता है, और तुम्हें ध्यान में रखते हुए ही वो आदेश भैया को किसी ना किसी मिशन पे भेजेंगे। तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, आराम से बैठो। यहाँ से 125 किलोमीटर दूर यहाँ पंचेड़ी रेंज में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से तुक्सल गांव से निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, एंड एज पर रिपोर्ट्स अब तक वहाँ 12 सिविलियंस फंसे हुए हैं। हमारे साथ साथ एयरफोर्स भी वहाँ मदद करने के लिए पहुंच रही है। मैं वहाँ खुद चला जाता, लेकिन जब तक बारूद को होश नहीं आता, मैं बारघाट छोड़ के नहीं जा सकता। मेजर, विद योर परमिशन, मैं इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए तैयार हूँ। नो कैप्टन मेहरा,
तुम यहाँ मेरे बिहाफ पर प्लेटून की ट्रेनिंग कंटिन्यू करोगे। हम कैडेट्स को आराम नहीं दे सकते। लेफ्टिनेंट आदेश तिवारी। यस सर। इस मिशन के लिए आप सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन मुझे पता चला है कि आपकी वाइफ एक्सपेक्टिंग है, सो इस मिशन पे जाना या ना जाना इट्स ऑन यू टू डिसाइड। बेशक जाना है सर। गुड, लेकिन पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। आई नो सर, भरोसा करिए अपने प्लेटून और आपका सर कभी मैं झुकने नहीं दूंगा। अरे वाह, कितना अच्छा गाया आपकी बहू ने, बहुत गुनी है। माँ, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। अपनी बेटी को गाते हुए देखने का मौका कैसे छोड़ सकती थी मैं भला। वैसे मुझे अच्छे से पता था कि तेरे जैसे गुरु के होते हुए मानसी ये कॉम्पिटिशन जरूर जीतेगी। मुझे हारना तो मेरी बेटी ने सीखा ही नहीं है, इसे तो बस जीतना आता है, फिर चाहे वो बाजी हो या फिर किसी का दिल। गाया तो तूने बहुत अच्छा है मानसी। हाँ, वो तो बीच में ना मैं कुछ लाइंस भूल गई थी। अच्छा हुआ संध्या थी, वरना आज मुझे तालियों की जगह गालियां मिलती। ओ जी, और देखो कितनी प्यारी कितनी भोली है मेरी बच्ची, अपनी जीत का क्रेडिट भी लोगों को दे देती है, इससे कहते हैं संस्कार। और होती हैं कुछ कुछ लड़कियां, किसी किसी की बेटियां उल्टा ही जवाब देती हैं। अरे जुबान चलाने से फुर्सत नहीं है। वैसे बेटा तूने तो सुना होगा ना, सास बहू का भी कंपटीशन हो रहा है और मैंने उसमें तेरा और अपना दोनों का नाम लिखवा लिया है। लोगों को भी तो पता चले कि हम कश्यप किसी से कम नहीं, तो फिर चाहे बात जुबान चलाने की हो या फिर गाना गाने की। सच मां, आदू मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, जब तक आप लौट के नहीं आओगे मैं इस बेबी को दुनिया में नहीं लाने वाली। प्लीज गैरी, ये मेरा बच्चा है और ये सिर्फ मेरा कहना मानेगा। बच्चा, जब आप रेडी हो जाओ तो आप लेफ्ट राइट करके बाहर आ जाना, आपके पापा आपसे बाहर ही मिलेंगे। आदेश बेटा, तुम यहाँ का चिंता बिल्कुल मत करो, अपना मिशन पूरा करो और सही सलामत घर लौटाओ। और हाँ, इस बार ना जल्दी आना। पक्का माँ, इस बार मैं जल्दी आऊंगा और आप भी इरिटेट हो जाओगी कि वापस कब जाएगा। डॉक्टर ज्योति, आपको अंदर जाने से पहले क्लियरेंस लेना होगा। क्लियरेंस? जी। क्या मतलब? किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को पहले क्लियरेंस देना होगा फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा? उतने में पेशेंट को कुछ हो गया तो? लेफ्टिनेंट सर। मेजर आर्यन। यस डॉक्टर ज्योति, कोई इमरजेंसी है? इमरजेंसी हो सकती है मेजर, किसी के लिए भी, पर ऐसे सिचुएशन में पेशेंट पहले क्लियरेंस लेगा और ये सेम रूल्स डॉक्टर के लिए भी है। मेजर ये हॉस्पिटल है, कोई पार्लियामेंट नहीं। लेफ्टिनेंट सर, ध्यान रहे कि प्रोटोकॉल की वजह से किसी पेशेंट कोई तकलीफ ना हो, ये प्रोटोकॉल सेफ्टी के लिए, किसी को तंग करने के लिए नहीं। सर। और कुछ? अब हाँ, आपने गरिमा के हस्बैंड को इतने रिस्की मिशन पे क्यों भेजा? आप जानते हैं गरिमा किस कंडीशन में है। एक मिनट, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, लेफ्टिनेंट आदेश खुद अपनी मर्जी से गए इस मिशन के लिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मेरे हर काम का एक्सप्लेनेशन तुम्हें देना चाहिए? क्या मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं स्कैपल की जगह ब्लेड यूज करो? नहीं ना। आईसीयू वार्ड 1 कोड ब्लू, आई रिपीट, आईसीयू वार्ड 1 कोड ब्लू। कोड ब्लू सर। वार्ड 1? इस वार्ड में तो बारूद है, सोल्जर यहाँ संभालिए। क्या हुआ इसे? सर मैं अलार्म सुनकर आया, देखा तो ऑक्सीजन मास्क फटा हुआ था। डॉक्टर शंकर का है? सर वो किसी इमरजेंसी सर्जरी में बिजी है। नो 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 नो, ये मर नहीं सकता। मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम मर नहीं सकते।
डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर ज्योति सुनिए, जल्दी से इसे इंजेक्शन दीजिए। आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। बारूद, बारूद यहाँ क्यों आए तुम? द्वारगढ़ आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? कोर्ट ने बारूद पे पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। मेजर, पीछे हटिए। ये आपके सवालों के जवाब तब दे पाएगा जब ये जिंदा रहेगा। हाँ तो जिंदा रखो इसे। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, तुम्हें शांत रहेंगे। मेजर, अब इसकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल है, हो सकता है कल तक आपके सवालों के जवाब देने की कंडीशन में आ जाए, मगर इस वक्त ये किसी भी स्ट्रेस लेने के कंडीशन में नहीं है। तो इसे कोई इंजेक्शन दो, इसे कंडीशन में लाओ। डॉक्टर मुझे नहीं पता ये किसने जानबूझ के किया या क्या, लेकिन अगर ये मर जाता ना तो अपने साथ कई राज ले जाता और मैं वो नहीं होने दे सकता। मैं समझती हूँ मेजर, बस इसे रिकवर करने दीजिए, फिर आप जितना ग्रिल करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। डॉक्टर ज्योति आप, सॉरी सर, मुझे लगता है डॉक्टर ज्योति की बात मान लेनी चाहिए। इसे घूरते रहने से ये ठीक नहीं हो जाएगा, चलिए। सॉरी। भैया उनको बोलिएगा बोर्ड ऊपर करें, ऊपर करना है, सबको पता लगे कि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। हाय मुस्कान। हाय, आई एम गुड। चल बाय, सी यू। फिर से वही फीलिंग? हाँ, अजीब है पर हर साल जब मिस द्वारा घाट की विनर इस मशाल को जलाती है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मशाल इतना कुछ रिप्रेजेंट करती है ना, वो गर्व जो इस देश का हर नागरिक फील करता है, इस देश की सेवा करने का सम्मान, इस देश में जन्म लेने का सौभाग्य। जब ये मशाल की लौ उठती है ना, तो एक विश्वास दिलाती है कि चाहे जो हो जाए, दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारे देश के सैनिक हमें कुछ नहीं होने देंगे, और इस मशाल की रोशनी की तरह वो हमारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। समझ गई तेरे इमोशंस, अब चल, तुझे फूल लगाने और मुझे कमेंट्री स्टार्ट करनी है। हाँ तो चल ना, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? गुड मॉर्निंग द्वाराघाट के प्यारे वासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज का दिन द्वाराघाट के लिए कितना बड़ा दिन है, इसीलिए दिल खोल के आज के दिन का मजा लीजिए मेरे यानी करुणा के साथ। तो शुरू करते हैं थोड़ी मस्ती और मशकरी के साथ। आपके लेफ्ट में है अमृत खन्ना अपनी बेटी ओल्डी के साथ, जिन्होंने इतना गोल्ड पहना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सोना पहन कर आई है या सोना उन्हें। और आपके राइट में है कामना और सुप्रिया जी अपनी बेटी चिक्की और पारो के साथ। पारो के जलवों के तो क्या कहने, मिस द्वाराघाट की ट्रॉफी तो क्या, इस बार सीधा मिस इंडिया का ताज पहनेगी वो। आप सभी जानते हैं ये इवेंट मिस द्वाराघाट चुनने का तो है, साथ ही साथ मिस को मिसेस बनाने के लिए भी कितना फेमस है। तू हस्ती, मतलब फनी तो था। फनी तो ये है कि मिस द्वाराघाट जैसे इम्पोर्टेंट इवेंट को मैच मेकिंग वेन्यू बना रखा है किरण आंटी ने, जो खुद मानसी के लिए लड़का ढूंढ रही है 3 साल से। हाँ तो क्या हुआ, माँ है उसकी। वैसे आई विश कि वीना आंटी को भी तेरे लिए कुछ ऐसे एम्बिशंस होते तो तू भी कंपटीशन में हिस्सा लेती। नहीं नहीं, ऐसा कोई विश मत कर, मेरा ऐसा कोई विश नहीं है प्लीज। मैं तो बहुत खुश हूँ कि माँ मुझे लेके ऐसा कुछ नहीं सोचती है। अरे सोच डॉक्टर ज्योति, मिस द्वाराघाट सब तेरे लिए तालियां बजा रहे हैं और किरण आंटी के कानों से धुआं निकल रहा है और मानसी की आंखों से आंसू और तेरे मुंह से बकवास। हट, ऐसे कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए मुझे कोई और मोटिवेशन चाहिए, सैश वैश नहीं।